तो आज समाजवादी पार्टी आपके विधायकों की संख्या कम क्यों हुई है, इसमें जनता का कोई कसूर नहीं, जिनका कसूर वो यहाँ कहना उचित नहीं। जनता का कसूर है किसी का नहीं, अगर हार हुई है तो उन्हीं के कारणों से। अपने आप ऐसे काम किए, काम तो अच्छे किए, आवाज जो सुविधाएं यूपी की जनता को है वो हिंदुस्तान की कहीं जनता को, पढ़ाई मुफ्त कहीं हिंदुस्तान नहीं है, सिंचाई मुफ्त कहीं हिंदुस्तान नहीं। लेकिन जो उम्मीद थी जब सरकार से बनी है मोदी साहब, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। 15,000 रुपया देंगे, एक साधन तो हो गया, चल मोदी चल मोदी, मुलाकात को भूल गए। अब मैं उनको कहा 2 रुपया नहीं दे पा रहे, जवाब भी नहीं दिया। मेरा याद है मैंने ठगा है, झूठ बोल करके आपने जनता को ठगा है, वो अच्छा चला सब जगह, ठगा है ठगा है ठगा। अब आए वो कन्नौज में, तो कन्नौज में आकर के अखिलेश हमला कर दिया और कह दिया जो अपने बाप का नहीं हुआ वो तुम्हारा हो जाएगा। तो मैंने कहा अखिलेश खंडन करना चाहिए था, झूठी बोल देता। हम सवेरे जाते अपने पिता से आशीर्वाद लेते तब काम करते, अगर जैसे सब आप तो क्या बताता, मैं खंडन करता क्या? मैं तो खंडन नहीं करता कि गलत बोला, लेकिन वो किसी ने बता दिया और इसी पे बोर्ड खराब हो गया। हमने बहुत कोशिश की और कारण एक था, हमारी जिंदगी बर्बाद करने में कांग्रेस ने कोई कमी नहीं रखी। अभी सुप्रीम कोर्ट से केस छूटा है, कितने केस लगाए कांग्रेस ने, रोज जमातें कराते रहे, तो इन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया। तो मैंने कहा कांग्रेस से गठबंधन में की है और कहा कि मुसलमानों को वोट, कांग्रेस को मुसलमान वोट नहीं दे सकता है। आप भी उनकी मस्जिद गिरी है, मस्जिद कांग्रेस के सरकार में गिरी है, नरसिंहरा प्रधानमंत्री का। अब मेरी गलती थी, मैं किसी गलती नहीं बताएंगे, हमें ही बनना चाहिए था मुख्यमंत्री, हमने वोट मांगा था कि सर बहुमत दे दो, कोई आज स्थिति पैदा नहीं होती, नहीं हो सकती। तो जनता ने कर दिया साफ, ले किया गलत, वही शिकार कर लेते हैं। अब तो सब जुट के हराते नहीं, जिता तो लेते। हम जीते 2024, ये कहा कि हमारी सरकार सर बहुमत की बना दो। 3 बार हम मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 1 बार ईश्वर बहुमत बना, जो मैं थोड़े थोड़े तोड़ फोड़ करके तब सका, आपकी ईश्वर बहुमत दो, ये भाषण दिया और जनता ने ईश्वर बहुमत दे दिया। हमने अखिलेश को बना दिया मुख्यमंत्री, मैं समझा कि ये कभी बनेगा नहीं। अब पता नहीं उसने क्या किया, कैसा किया, तो आप जाना 224 की जगह 47 सीटें और 47 तब जीते हैं जो हम चले गए जौनपुर और सिरपार के लिए चले गए और एक जगह और चले गए, उससे 14 सीटें बढ़ी हैं। 14 निकाल दो कितनी होती है? आप कहेंगे आप क्यों नहीं गए, हम क्यों जाते, हम जाते क्यों? जब सम्मेलन हुआ, असली सपनी जो कहा है सिपाही विचार करना कौन है सपनी, वो हम नहीं बताएंगे। और वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है, उनको हराने के लिए 7,500 रुपया बांटे गए, उसके बाद भी 52,000 से जीत गया, 52,000 से जीता, आप समझ गए। तो उसे हराने के लिए क्या नहीं किया, तो बोलेगा क्या कहें, समझाया तो है कि मत बोलो, ये कैसे नहीं बोलेगा। उन्होंने हमें बिल्कुल ख़त्म करने के लिए क्या नहीं किया, तो क्यों नहीं बोलेंगे? तब फिर हमें समझाऊंगा आ जाएगा,
कि मत भूलो तो अपना काम करो।